एनीवेज आईपैड है यहाँ किसी के पास? अच्छा है, नहीं है. यू नो आईपैड से एक नई टर्म निकली, आईपैड स्टड्स. ये वो लोग होते हैं जो जेब में नोकिया 1100 लेके घूमते हैं, लेकिन गर्लफ्रेंड को जब भी असाइनमेंट ईमेल करेंगे तो नीचे कीबोर्ड से लिख देते हैं सेंड फ्रॉम माई आईपैड. सीरियसली आई रिसेंटली आस्क्ड दिस गाय, सर आपका आईपैड कहाँ है? कहते हैं घर पे है. मैंने कहा लाए क्यों नहीं? कहते हैं बड़ा है. मैंने कहा बड़ा है? लेते टाइम नहीं सोचा था, तब क्या सोचे थे? हनुमान जी है, जय श्री राम बोलोगे तभी बड़ा होगा. सबसे पहले आईफोन आया, आईफोन जब से आया ना, मतलब हर बंदे के पास आईफोन है. हालत ये हो गई जिसके पास नहीं होना चाहिए था ना, उसके पास भी आईफोन है. और क्या फायदा, 45,000 का आईफोन ले लेते हो, रात को 10 बजे के बाद मिलता नहीं है. क्यों जी? बैटरी डाउन थी. मतलब आईफोन के फोन एक ऐसे फोन है जो यूज करने से ज्यादा चार्जिंग पे रहते हैं. और फिर आईफोन ने जितना बेवकूफ बनाया ना, उतना तो मनमोहन सिंह ने भी नहीं बनाया. पिछले 5 सालों में किया क्या है? स्क्रीन साइज कम ज्यादा किया है. और अभी आईफोन 5 आया, तो लोग इतने एक्साइटेड थे, आईफोन 5 इज कमिंग इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स, डोंट नो कैसा होगा. इतने एक्साइटेड थे जैसे घर में छोटा भाई आने वाला हो. और आप किसी आईफोन यूजर से पूछो, जहां पे भी बैठे होंगे, किसी से पूछ लो, ये 45,000 का आईफोन लिया, इसमें क्या फीचर है? एक रीजन बता दो. ब्लूटूथ अच्छा है ना? मैं बताता हूं क्या कहते हैं ये, जनरली आपने भी सुना होगा, कहते हैं टच अच्छा है. दूसरा कहते हैं 12 मेगापिक्सल का कैमरा है. फिर कहते हैं साउंड क्वालिटी अच्छी है. मैंने कहा क्यों, इसमें अल्ताफ राज है, जस्टिन बीबर लगता है. ये वो लोग हैं जो 45,000 का आईफोन ले लेते हैं, लेकिन गाने सॉन्ग्स डॉट पीके से डाउनलोड करते हैं. और 45,000 के आईफोन में टच अच्छा है. मैंने कहा दो, 45,000 में तुम स्क्रीन टच छोड़ो, लाइट टच मिल जाएगा तुम्हें. वो भी मल्टीपल टाइम्स. आई सीरियसली हेट स्मार्टफोन. इसमें वो एटीट्यूड ही नहीं है. मिशन इम्पॉसिबल 2 के टाइम पे फ्लैप फोन आते थे, याद होगा सबको. उस टाइम पे बंदी आपको फालतू बोली, आप झट से बंद कर दो, एटीट्यूड होता था. आज के टाइम में क्या ऐसे ऐसे करते रहते हो? पहले 3310 आता था, याद होगा सबको, स्नेक वाला. उस टाइम पे घर में लोग हथौड़ा नहीं रखते थे, मल्टीपर्पज फोन होता था. मतलब फोन गंदा हुआ सुबह काम वाली को दे दो, बर्तनों के साथ मान देती थी. लेकिन थोड़ा इतिहास में जाया जाए, पहले आते थे MTNL वाले फोन, देखे होंगे आप सबने. उस टाइम पे नंबर एक होता था, लेकिन फोन 5-6 होते थे हर कमरे में. तो क्या होता था, कभी कभी आप और आपके पापा एक साथ आपके दोस्त से गाली सुन रहे होते थे. आजकल तो आपको मतलब किसी गर्लफ्रेंड से बात करनी है, फेसबुक से नंबर उठाया, डायरेक्ट प्रपोज किया, हो गया खत्म. पहले तो नंबर लेना अपने आप में चैलेंज था. मतलब अगर इफ यू हैव टेकन नंबर, इट मींस यू हैव क्लियर 3-4 स्टेप्स. आज के टाइम में तो आपको क्या है पता है, आपको बंदी फोन उठाएगी. पहले तो उसके फोन उठाने की प्रोबेबिलिटी 1/N होती थी घर में. Where N is the number of user in her home. आजकल तो रात को आपको मूड हुआ, आपने WhatsApp पे जानू शोना मिला बच्चा कर लिया. पहले तो रात को 10 बजे आप किसी दूसरे के घर छोड़ो, अपने घर पे कॉल नहीं कर सकते थे, बैड न्यूज होगी कोई, रात को इसलिए नहीं करते थे. और एक मैंने आजकल ये फंडा देखा, रात को 10 बजे के बाद सब पापा बन जाते हैं, जानो शोना मेरा बच्चा. मेरे बच्चे ने खाना खाया? मेरे बच्चे ने खाना खाया? 90 किलो की बंदी है, मेरे बच्चे ने खाना खाया? सो नेक्स्ट टाइम अगर चाचा ने लव मैरिज की है आपके और वो आपको एडवाइस दे रहे ना, तो सुनो, काफी तपस्या की है उन्होंने. अब आते हैं सैमसंग पे, जो आजकल चल रहा था. सैमसंग इज लाइक आम आदमी का आईफोन, लाइक द मोमेंट एप्पल लॉन्चेस आईफोन एंड वी आर द मिडिल क्लास फैमिली सेड ओह माय गॉड इट्स टू एक्सपेंसिव आई कांट अफोर्ड इट, सैमसंग आ रहा होता है 7,000 का फोन लेके, जिसका लोग हूबहू एप्पल के आईफोन जैसा होगा. उसमें एक टच होगा जो कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा, एक 2 मेगापिक्सल का कैमरा होगा जिससे आप वोटर आईडी जैसी पिक ले सकते हो, और 5-6 ऐप्स होंगी, या तो भगवान जानता है या सैमसंग जानता है क्यों डाली गई हैं. फिर आया माइक्रोमैक्स, दुर्गति मचा दी बाय गॉड.
माइक्रोमैक्स ने एक फोन निकाला, फोन विद अ बैटरी बैकअप ऑफ 31 डेज, बैटरी बैकअप ऑफ 31 डेज. मैंने कहा बैटरी क्यों कह रहा है, इन्वर्टर कह दे. फिर आया लावा, अपने आप फट जाता था. मैंने कहा ज्वालामुखी से इंस्पायर होगा. जनरली मैं यहाँ पे खत्म कर देता, पर लोगों ने कहा नहीं नोकिया के बारे में क्यों नहीं, बेस्ट कंपनी है. मैंने कहा हाँ नोकिया बेस्ट कंपनी है, फोन गिराओ 3 टुकड़ों में बिखर जाता, पजल की तरह लगा लो. मुझे प्रॉब्लम है नोकिया यूजर से, चाहे E61 हो, नोकिया का लूमियो या नोकिया का महंगे से महंगा फोन हो, किसी भी अननोन प्लेस पे जाएंगे, भैया पतली पिन वाला चार्जर है क्या?